बच्चों, पेड़ की एक डाल पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया घोंसले में बैठी अपने अंडे सेक रही थी। अचानक कहीं से एक कौवा आया और चिड़िया से बोला, चिड़िया चिड़िया, मैं तेरे अंडे खाऊंगा। चिड़िया बेचारी डर गई। उसने कहा, कौवे तुम मेरे अंडे मत खाओ, मैं खाने के लिए तुम्हें दूध भात दूंगी। दुष्ट कौवा दूध भात खाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, तेरी चोंच गंदी है, पहले जा इसे नदी में धोकर आ और फिर मेरे अंडे खा लेना। कौवा डाल पर से उड़ा और नदी के किनारे गया। नदी कल कल छल छल करती बह रही थी। कौवे ने कहा, नदी नदी, मुझे थोड़ा पानी दे दे, पानी से मैं अपनी चोंच धोकर चिड़िया के अंडे खाऊंगा। नदी ने कहा, जाओ बर्तन लाओ और पानी भर लो। नदी के किनारे उड़ता हुआ कौवा कुम्हार के पास गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कौवे ने कहा, कुम्हार कुम्हार, मुझे एक बर्तन दे दे, मैं उसमें नदी से पानी लूंगा, पानी से अपनी चोंच धोकर चिड़िया के अंडे खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, जाओ मिट्टी लाओ, उसका बर्तन बना दूंगा। कुम्हार के पास से उड़कर कौवा खेत के पास गया और बोला, खेत खेत, मुझे थोड़ा मिट्टी दे दे, मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाएगा, मैं बर्तन में नदी का पानी भरूंगा, पानी से अपनी चोंच धोकर चिड़िया के अंडे खाऊंगा। खेत ने कहा, जाओ पहले खुरपा लाओ और मिट्टी खोद लो। वहां से उड़कर कौवा लोहार के पास गया। लोहार भट्टी में खुरपा गर्म कर रहा था। कौवे ने उसके पास बैठकर कहा, लोहार लोहार, मुझे एक खुरपा दे दो, खुरपे से मैं मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाएगा, बर्तन में मैं नदी का पानी भरूंगा, पानी से अपनी चोंच धोकर चिड़िया के अंडे खाऊंगा। लोहार दयालु था, उसे चिड़िया पर दया आ गई। उसने पूछा, कैसा खुरपा चाहिए, काला या लाल? कौवे ने कहा, लाल दे दो। तब लोहार ने भट्टी में से लाल अंगारे की तरह दहकता हुआ खुरपा निकालकर कौवे की पीठ पर रख दिया। दुष्ट कौवा वहीं जल भूनकर राख हो गया और चिड़िया के अंडे बच गए। जब शाम तक कौवा नदी के पानी से अपनी चोंच धोकर वापस नहीं लौटा, तब चिड़िया ने सोचा, लगता है कि कौवा नदी की तेज धारा में चोंच धोते समय बह गया होगा। फिर उसने सोचा, चलकर देखना चाहिए कि कौवे के साथ क्या बीती। जब उसने जलकर मरे हुए कौवे को लोहार के पास देखा, तो उसकी समझ में सारी बातें आ गई। उसने लोहार, कुम्हार, नदी और खेत सबको धन्यवाद दिया और फिर वह खुश होकर अपने अंडों पर बैठ गई और उनको सेकने लगी और बहुत खुश हो गई।